हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। एंड आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से आज की अपनी क्लास। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं आज की हमारी इस क्लास में। ओके एक मिनट, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द के चार विलोम शब्द दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, शब्द क्या है? अंतर। शब्द क्या है हमारा? अंतर है। ठीक, अंतर शब्द है और कह रहे हैं इसके चार विलोम शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें से हमारा राइट जो है वो कौन सा होगा विलोम शब्द? देखिए ऑप्शंस में क्या है, बराबर, समानता, अंतिम या फिर अंतरिक। तो इसमें से राइट क्या हो जाएगा? देखिए अंतर, अंतर का मतलब क्या है? डिफरेंस। ठीक है, मतलब अगर किसी चीज़ में कुछ डिफरेंस होता है तो हम क्या बोलते हैं, इसमें ये अंतर है ना, हम बोलते हैं इसमें ये अंतर है, डिफरेंस है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो राइट कौन सा हो जाएगा? आप देख सकते हो इसमें से पहला जो है वो लिखा हुआ है बराबर, दूसरा लिखा हुआ है समानता, तीसरा है अंतिम, अंतरिक। तो ये और ये तो हो ही नहीं सकते, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हो कौन सा सकता है? इसमें से दो ऑप्शंस में आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हो, बराबर या फिर समानता। तो अगर हम कहते हैं इसमें अंतर है और कहते हैं दूसरे ऑप्शन में क्या कहते हैं, ये इसमें इसमें समानता है। ठीक है, यानी सिमिलैरिटी है, डिफरेंस और सिमिलैरिटी। तो यानी कि डिफरेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा? सिमिलैरिटी हो जाएगा, समानता हो जाएगा। ये बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है? आविर्भाव, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आविर्भाव शब्द होता क्या है। तो आविर्भाव शब्द जो है, अगर हम इसके एक सिनोनिम की बात करें यानी कि समानार्थी शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा आविर्भाव? आविर्भाव का शब्द आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, प्रादुर्भाव। ठीक है, बुक्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, यानी कि प्राकट्य हुआ, यानी कि प्रकट होना। ठीक, तो आविर्भाव या प्रादुर्भाव इसका अर्थ क्या होता है? प्रकट होना। ठीक है, प्रकट होना। ओके, तो इसका हमारा पूछ रहा है विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तिरोभाव, सविभाव, विभाव या फिर अनुभाव। तो इसमें से राइट क्या हो जाएगा? तिरोभाव। आविर्भाव का अपोजिट होता है तिरोभाव, ना कि सविभाव, ना विभाव, ना अनुभाव। अब ये जो विभाव अनुभाव लिखे हैं आपके, ये सब रस के रूप हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सारे क्या हैं? रस के रूप दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा आविर्भाव शब्द का विलोम? तिरोभाव। ये सारे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? इनमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऑप्शंस हैं आपके पास अंगूर, आरंभ, देखिए ध्यान से देखिएगा, अंगूर, आरंभ, आहार, अलंकार। तो आप देख सकते हो अंगूर सही लिखा हुआ है, आहार भी सही लिखा हुआ है, अलंकार भी सही लिखा हुआ है। तो गलत क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है आरंभ। ठीक है, ये आरंभ लिखा हुआ है और लिखा क्या जाता है? आरंभ लिखा जाता है, या तो माँ लगाइए छोटा या फिर बिंदी लगाइए। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग आरंभ, इन दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रा में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है जो कि गलत है। ठीक है, तो रा में बड़े आ की मात्रा लगी थी और यही हमारा गलत था। तो अब आप लोगों को क्लियर होता जा रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनेंगे पेपर में और कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि अगर आप चाहें तो अपना लूसेंट बुक से तैयार कर सकते हो हिंदी, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा कवरेज हो जाएगी, आपकी हिंदी जो है अच्छे से कवर हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर तो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट जो है मैं कराती रहूँगी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन वहां पे आपका दिया हुआ है पक्षी, शब्द दिया हुआ है पक्षी। ठीक है,
कह रहा है पक्षी में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है पक्षी का। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है अंडज, ठीक है, दूसरा है पतंग, तीसरा है विहग और चौथा है विहान, ठीक है। तो इसमें से अंडज, अंडज का मतलब होता है अंडे से पैदा होने वाला, ठीक है। तो अंडे से पैदा होता है कौन, पक्षी पैदा होता है, ठीक है। तो अंडज पक्षी जो है उसका पर्यायवाची अंडज भी होता है, ठीक। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, पतंग, तो पतंग भी जैसे पतंग उड़ती ना वैसे ही पक्षी के लिए भी पतंग वर्ड भी यूज़ किया जाता है, उड़ने वाले कीड़े या पक्षियों के लिए भी पतंग या पतंगा वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए विहग, विहग जो है विहग ये भी आपका यूज़ किया जाता है पक्षियों के लिए, ठीक है, ये भी आपका पक्षियों के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें से राइट कौन सा आंसर हो जाएगा, विहान। विहान का मतलब क्या होता है, विहान का मतलब क्या होता है, विहान का मतलब होता है सुबह या प्रातःकाल, ठीक है। सुबह या प्रातःकाल जो होता है वो किसका आंसर होता है, विहान का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा विशेषण, ये अधिकारी लिख गया है, यहाँ अधिकारी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, अविकारी है। पहली बात तो शब्द विशेषण है और दूसरा बात अविकारी शब्द है, ठीक है। शब्द आपके कैसे होते हैं, विकारी और अविकारी, क्या डिफरेंस होता है विकारी शब्द में और अविकारी शब्द में, इसको भी जान लेते हैं। विकारी शब्द ऐसे होते हैं जिनमें किसी भी लिंग, ठीक है, वचन के आधार पर विकार उत्पन्न किए जा सके, ठीक है, यानी कोई चेंजेस किए जा सके, वो विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं, जिनमें लिंग वचन के हिसाब से या भाषा के हिसाब से कोई भी विकार उत्पन्न ना किया जा सके, यानी कोई भी चेंजेस ना किए जा सके, वो आपके कैसे शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। तो विकारी एंड अविकारी दो टाइप के आपके शब्द होते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे देख लिए कह रहा है कि कौन सा विशेषण अविकारी है, इनमें से कौन सा जो है अविकारी शब्द है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है सुडौल, दूसरा है सच्चाई, तीसरा है चमका और चौथा है हरी। आप देख सकते हो इनमें से किसी ना किसी शब्द में, जैसे हरी है, ठीक है, हरी, हरी शब्द जो है वो किसके लिए, पहली बात तो भगवान के लिए यूज़ किया जाता है, दूसरी बात वो किसी लड़के का नाम भी हो सकता है, ठीक है। हरी शब्द जो है वो ईश्वर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और किसी व्यक्ति का, किसी लड़के का नाम भी हो सकता है। तो ये आपको एक क्या दिखा रहा है, ये आपको एक मैस्कुलिन जेंडर शो कर रहा है, ये आपको क्या शो कर रहा है, पुरुष प्रधान शब्द है ये, ठीक है। तो ये जो है हमें इससे लिंग पता चल रहा है पुरुष का, ठीक है। तो यानी ये जो है ये तो आपका विकारी शब्द है, ठीक है। चमका भी आपका ये क्या है, चमका, अगर यहाँ चमकी होता तो जैसे बिजली है तो बिजली चमकी, तो ये एक तरीके से आपका फेमिनिन वर्ड जो है शो करती है, ठीक है। और चमका, चमका यानी कि ये आपका एक मैस्कुलिन जेंडर शो कर रहा है। सच्चाई, यानी कि सच्चाई पता चल गई है ना, तो ये भी हम कैसे लगाते हैं, ऐसे ही वाक्यों, लेकिन अविकारी शब्द में ऐसे शब्द आएंगे जो आप किसी के भी साथ लगाओ, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वर्ड भी आपका कैसा हो, सेंटेंस भी आपका कैसा हो, शब्द नहीं चेंज होना है, वो आपका अविकारी हो जाता है। सुडौल, ठीक है, सुडौल शब्द जो है वो एक हस्ट पुष्ट या फिर एक अच्छे खासे शरीर के लिए लगाया जाता है, तो ये आप लड़की में भी लगा सकते हो, ये आप लड़के में भी यूज़ कर सकते हो, शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा अविकारी विशेषण, अविकारी शब्द, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, पीताम्बर शब्द से कृष्ण अर्थ किस समास के द्वारा प्राप्त होता है। अब समास, जब मैं डिटेल में सारे समास बताऊंगी आपको तब तो बता दूंगी, यहाँ फिलहाल हमारा क्वेश्चन जो आया है उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है पीताम्बर, पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर मतलब पीला है अंबर, अगर हम इसको जो है खोलते हैं तो ये क्या, पीत प्लस अंबर, यानी कि जिसका पीला है, ठीक है, पीला है अंबर, यानी कि पीला है अंबर वस्त्र के लिए आता है, जो पीले वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, पीले वस्त्र कौन पहनते हैं, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को बोला जाता है ना पीताम्बर धारी, पीले वस्त्र उनके कहते हैं, बहुत ज़्यादा पीले वस्त्र उन्हें पसंद है, ऐसे कहते हैं राधा जी को हरे वस्त्र बहुत पसंद है, ठीक है। तो पीताम्बर किसको बोला जाता है, पीताम्बर बोला जाता है कृष्ण जी को, ठीक है, उन्हें पीताम्बर धारी भी बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो क्वेश्चन पूछ रहा है पीताम्बर शब्द से कृष्ण जो है वो हम किस समास के द्वारा प्राप्त होता है। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है पीताम्बर में समास कौन सा है, ठीक, तो समास कौन सा है, बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए बहुव्रीहि द्विगु कर्मधारय या तत्पुरुष, तो पीताम्बर जो है वो आपका बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। अब देखिए बहुव्रीहि समास कैसे होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल में देखिए है क्या, जैसे हम इसको पीत और अंबर दो में ब्रेक कर सकते थे ना, पीत प्लस अंबर पीताम्बर हो गया। अगर संधि विक्षेप करेंगे तो क्या होगा, पीत प्लस अंबर यानी कि पीताम्बर। अब पीताम्बर जो है यहाँ पे हम कैसे समझते हैं कि ये बहुव्रीहि समास है, कैसे समझते हैं, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पहले और दूसरे वर्ड हैं, ठीक है, ठीके? आप देख सकते हो इनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं, पीला और अंबर वस्त्र में कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में मिलके एक तीसरे नए वर्ड का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। पीताम्बर से क्या बन गया, सीधा कृष्ण बन गया, एक नए वर्ड का निर्माण कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। बहुव्रीहि समास क्या होता है कि जब पहला और दूसरा, जो पहला और दूसरा शब्द है बिल्कुल अलग अलग हो और ये आपस में मिलके एक तीसरे नए शब्द का निर्माण कर दे, तो वो क्या हो जाता है, वो बहुव्रीहि समास होता है वहाँ पे, ठीक। अब बहुव्रीहि समास के मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, जैसे कि दशानन। अब दशानन किसको बोला जाता है, रावण को बोला जाता है। दशानन किसको बोला जाता है, रावण को बोला जाता है, जिसके 10 हैं आनन यानी कि जिसके 10 सर हैं, ठीक है, 10 प्लस आनन, ठीक, जिसके 10 सर हैं वो क्या है, दशानन है यानी कि रावण है। तो 10 अलग चीज हो गई और आनन अलग चीज हो गई, इससे हमने एकदम अलग सी चीज का निर्माण कर दिया, रावण, ठीक है, हमारा शब्द क्या बन गया, रावण, ठीक है। तो ये यानी कि दो अलग शब्दों से, दो भिन्न शब्दों से अगर हम तीसरे भिन्न शब्द का निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ हमारा बहुव्रीहि समास होता है, ठीक। चलिए इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, इसमें आपको क्लियर हो गई। अब जैसे इसमें एक और मैं आपको ऑप्शन बता दूँ, चतुर्भुज। चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल है। कैसे, चतुर्भुज किसको बोला जाता है, नहीं कहते चतुर्भुज श्री हरि, श्री हरि यानी कि विष्णु जी को चतुर्भुज बोला जाता है क्योंकि उनकी चार भुजाएं हैं, ठीक है, तो चतुर माने चार और भुज माने भुजाएं, तो ये दो अलग वर्ड से आपका एक तीसरे नए वर्ड का निर्माण हो गया, श्री विष्णु या श्री हरि, ठीक है। तो इस तरीके के समास को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिकूल शब्द में उपसर्ग कौन सा है, ठीक, तो देख लेते हैं, ऑप्शंस है परी, प्र, परा या प्रति, ठीक। तो देखिए प्रतिकूल, जैसे अनुकूल का विलोम क्या होता है, प्रतिकूल होता है, ठीक है। अब प्रतिकूल में देखिए आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, जिन दो शब्दों को आराम से अलग किया जा सके, प्रति और कूल आपका अलग अलग किया जा सकता है, तो वहाँ पे आपका पहला जो ये जितना शब्द हम अलग कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे हमारा कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, परि, प्र, परा या प्रति, तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे प्रतिस्थापन है ना, तो स्थापन के साथ हम प्रति लगा रहे हैं, तो पूछा जाए प्रतिस्थापन में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति उपसर्ग है। प्रतिक्रिया, क्रिया के साथ हमने प्रति लगा दिया, तो प्रतिक्रिया में कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा आंसर राइट हो जाएगा, प्रति उपसर्ग होगा, ठीक है, कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, जो बिना वेतन कार्य करता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनिए, बिना वेतन कार्य करता हो, वेतन नहीं लेता है का, इसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो बहुत कम वेतन पे काम करता है, जो बिना वेतन के काम करता है, ठीक है, और इस तरीके से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया जो बिना वेतन के कार्य करता है पर पेमेंट नहीं लेता है, वो क्या होता है, बंधुआ होता है क्या, बेगारू होता है, स्थानापन्न होता है या फिर अवैतनिक होता है, तो राइट क्या हो जाएगा, अवैतनिक होता है। अवैतनिक मतलब उसे वेतन नहीं मिल रहा है अपने काम के लिए, ठीक है, ये वो खुद ही नहीं चाहता है, तो वो क्या हो जाएगा, अवैतनिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवैतनिक हो जाएगा, ठीक है।
आई होप इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, कौन सा शब्द है जिसकी की वर्तनी शुद्ध है। शब्द देख लीजिए क्या क्या है, श्रम, श्रवण, श्रृंखला, श्रृंगार, ठीक है। इसमें से आपके चार शब्द हैं, पूछ रहे हैं वर्तनी किसकी शुद्ध है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे श्रम गलत लिखा हुआ है, श्रवण भी गलत लिखा हुआ है, श्रृंखला भी गलत लिखा हुआ है, श्रृंगार सही है। ये श्री बोला जाता है, श्रृंगी ऋषि में जैसे लगता है ना, तो ये श्र और ये श्र में डिफरेंस है, ये जब लग जाएगा तो श्री बोला जाएगा, ये श्र बोला जाएगा। जैसे कि हमें श्रम लिखना है, श्रम, तो हम श्रम में क्या लिखेंगे, ऐसे श्रम लिखेंगे, लेकिन श्रृंखला या श्रृंगार इसमें हम क्या लगाएंगे, नीचे ऐसे कर देंगे, ठीक है, तब ये हमारा राइट होगा। यहाँ पे हमारा राइट वर्ड कौन सा है, श्रृंगार वर्ड राइट है, बाकी रॉन्ग है। आप देख सकते हो श्रम है जैसे, तो मैंने बताया श्रम में ये नीचे ये नहीं लगेगी री, सिर्फ ऐसे श्रम लिखा जाता है, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पय शब्द का अनेकार्थक नहीं है, पय, ठीक है, पय जो है कह रहे पय का अनेकार्थक नहीं, अनेकार्थक मतलब, अनेकार्थक का मतलब क्या होता है, कई सारे जो पर्यायवाची हो गई, इसको ही अनेकार्थक शब्द भी हम लोग बोल देते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पय शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है, ऑप्शन में क्या है, दूध, अन्न, तालाब या फिर जल, तो कौन सा राइट हो जाएगा भाई, शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। आप देख लीजिए पय का मतलब क्या होता है, पय का मतलब क्या होता है, दूध होता है, ठीक, पय का मतलब दूध होता है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया है क्वेश्चन में, अनेकार्थक शब्द है, या बोल सकते हो आप अनेकार्थी शब्द है, ठीक है, नहीं जो लिखा है वो गलत है, है, ठीक है, पर्यायवाची है, तो पय की जो पर्यायवाची है वो क्या है, आपकी दूध है, ठीक। पय शब्द का एक जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, दूध है, ठीक। बाकी यहाँ पे जो आपका अन्न, तालाब, जल लिखा हुआ है, ये अलग अलग आपके शब्द हो गए, ठीक है। पर्यायवाची शब्द जो है पय का वो क्या होता है, दूध होता है, ठीक। अब उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कपीश शब्द का संधि विच्छेद सही है, कपीश, कपीश, ठीक है, शब्द क्या है, कपीश। तो सबसे पहले हम कपीस में बात कर लेते हैं, संधि कौन सी है, जो संधि कौन सी भाई, दीर्घ संधि है। कैसे पता चला दीर्घ संधि है, इसमें देख लेते हैं कैसे पता चला दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का रूल क्या होता है, दीर्घ संधि का रूल क्या होता है, देखिए अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा, कपी प्लस ईश, ठीक है, यानी कि क्या हुआ, कपी पे आप देख सकते हो छोटी ई की मात्रा आ रही है और ईश पे बड़ी ई आ रही है, ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या हो रहा है, कपीश में बड़ी ई ही आ रही है, ठीक, बड़ी ई ही आ रही है, यानी कि जो आपका दीर्घ स्वर और हस्व स्वर मिलके किसका निर्माण हो रहा है, दीर्घ स्वर का निर्माण हो रहा है, ठीक है, हस्व और दीर्घ स्वर मिलके दीर्घ स्वर का ही निर्माण हो रहा है, तो वो आपका क्या होता है, दीर्घ संधि होती है, यानी कि छोटी ई की मात्रा या छोटे आ की मात्रा या छोटे ऊ की मात्रा, इनके साथ अगर हम बड़े आ, बड़े ऊ और बड़ी ई की मात्रा को अगर जोड़ते हैं और साथ में हमारा बनता क्या है, बड़ी ई, बड़ा ऊ या बड़ा आ की मात्रा आती है हमारे शब्द में, तो वहाँ पे क्या होगी, दीर्घ संधि होगी, ठीक है। आप देख सकते हो कपीश में, यानी कि कपी प्लस ईश था, तो छोटी ई और बड़ी ई मिला के हमारा क्या बन गया, बड़ी ई ही बन गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा कपीश शब्द का संधि विक्षेप, ठीक। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए हमारा राइट कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में देखिए, तीसरा ऑप्शन जो है हमारा वो राइट है, कपी प्लस ईश, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो गया, तीसरा ऑप्शन, ठीक। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हिंदी के। नेक्स्ट वीडियो भी आएगी जिसमें आपको मैं आगे 10 क्वेश्चन और बताऊंगी इसके इम्पॉर्टेंट, ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आप समझ पाओ कि किस तरीके का पेपर पैटर्न होता है और आपको किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन रखे गए हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं है, आप कहोगे तो पर्टिकुलर टॉपिक के भी, जैसे सिर्फ संधि के, सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग रखेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे साथ में क्वेश्चन भी
करते जाएंगे चैप्टर्स के। अभी मिक्स्ड इस वजह से रख रहे हैं क्योंकि टाइम कम है और कम टाइम में आपके मिक्स्ड क्वेश्चन से काफ़ी सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कवर हो जाती हैं। ठीक, तो लोग भी यही बोलते हैं कि मैम ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स क्वेश्चन हमको बता दिया करिए जिससे हमारी काफ़ी चीज़ें जल्दी से। अब होता क्या है, चैप्टर वाइज पढ़ने में हमें अच्छे से उस चैप्टर का कवर करना होता है, फिर हमें बहुत सारे उसके चीज़ें जो है समझनी होती हैं, इनसे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एक ही चीज़ कम्प्लीट हो पाती है। यहाँ जो मल्टी क्वेश्चंस यहाँ आपको मिल जाते हैं उससे क्या होता है कि आपका जल्दी कम टाइम में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो कवर हो जाती हैं। तो आप बताइए आपको किस तरह की वीडियोस और चाहिए, अगर आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ की वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।